जो भी हुकूमत इन लोगों की है तो मसीहों के साथ ज़्यादातर तो इंसाफ कम ही होता है। सिंपल एक वर्ड बोलती है, चूड़े क्रिश्चियंस के लिए डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करते अगले बंदे को, मतलब उनको फील कराते हैं कि आप मुस्लिम हो हम क्रिश्चियन हैं। हमें सबसे निचला दर्जा दिया जाता, कोई हमारी केयर नहीं है, हमें कोई भी मुश्किल हो तो हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी किसी अमर में भी हमारी सुनवाई नहीं होती, हर हाल में हमें पीछे छोड़ा जाता। क्रिश्चियनों को बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलता, कोई भी काम पे चले जाए काम नहीं मिलता, पहले जाते ही पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं। जैसे होता है ना कि अमेरिका में आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि वहाँ भी उन्होंने असेंबली हाल में उनको क्रिश्चियन को मुस्लिम बंदा यहाँ से अमेरिका में सीट उसे मिली है, यहाँ भी वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो क्रिश्चियन है ना वो क्रिश्चियन बंदे उसको आगे बढ़ना नहीं देते। जी कि मैं रोटी खा रहा था, मैंने उन्होंने कह देता कि क्रिश्चियन है कि मुसलमान है, तो या तो कोई वो मैं दिहाड़ी ही गा, हाँ तो मैं फिर उठ के पासे हो गया, बड़ा शर्मिंदा ही हो गया, मैं पीछे ही हो गया। बैंक में जॉब करती थी, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी, तो वो पीएन को कहती होती थी कि भैया लादा इसको लादा बर्तन में दिया करो, इसको लादा खिलाया करो, लादा बैठाया करो। जिस गिलास में पानी पिया जाता था और उस कहते थे ये क्रिश्चियनों ने पिया, तोड़ दो गिलास को, तोड़ दो, क्या एक जैसे इंसान नहीं होते। मुझे यही मतलब पता चला कि भाई वो कहती थी कि हमारे साथ जिन बर्तन में इसको देते हो उसमें हमें ना दिया करो। वो जो अगर खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर जैसे होटल लाइन है या किसी कटिंग वाली दुकान है, पार्लर पे चले जाएं, वो कहते हैं कि ये चेयर लैदा है मसीहियों की और मुस्लिम की लैदा है। वो अगर उन्होंने बर्तन लैदा रखे होंगे क्रिश्चियनों के, अगर पता चल जाएगा तो वो खाना नहीं देंगे उन्हें, या कटिंग वगैरह करवानी है, शेव वगैरह करवानी है, नहीं करने देंगे करके वहाँ पर। जो बर्तन लैदा रखे होते हैं उन्हें धोया भी लैदा जाता है, जाहिर सी बात है। ये सलूक भी होता है कि बर्तन रखने अलग और हाँ ये करते हैं, मतलब कहते हैं कि इनके बर्तन अलहदा होने चाहिए, इनके साथ बैठ के नहीं खाना। हमारी क्लास फेलो ही थी वो मुस्लिम है और हमारी दूसरी क्लास फेलो दोनों सी आर थी, एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम, तो उसने उनको कहा कि मतलब मैं चीटिंग की कोई बात हो रही थी कि मैं चीटिंग मतलब कि मैं सर को बता दूंगी। जो क्रिश्चियन थी उसने उनको कहा कि मुस्लिम वाले को कि मैं सर को बता दूंगी कि आप चीटिंग कर रही थी। उसने कहा तुम्हारा कौन यकीन करेगा तुम मोमिन हो, तो मतलब कि क्रिश्चियंस पे कोई यकीन नहीं कर सकता और सिर्फ मुस्लिम्स को ही अथॉरिटी मतलब किया जाता है, रेफर किया जाता है। वो कोई ऐसा सलूक करते हैं कि दुख होता हो कि ये क्या करते हैं? हाँ वो कहते हैं यार हमने इनके साथ नहीं बैठना, हमने इनके साथ बैठ के खाना, ये क्रिश्चियन है ये वो वगैरह, ये ऐसे करते हैं, ये इनकी ये प्रेयर्स हैं, इस वजह से फिर वो करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम तो नहीं अपने आप को समझते कि हम डिफरेंट हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, हम नहीं समझते कि ये हमारे से डिफरेंट है या हम एक मुख्तलिफ चीज़ है इनसे, हम नहीं समझते लेकिन वो हमें समझते। जैसे पता होता है कि ये मसीह लोग हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं इनके लहदा बर्तन होते हैं। तब तो भी ऐसा हुआ जी, मैंने एक दफ़ा कसूर वाली साइड पे देखा है, क्या आप याद पड़ता है बताएंगे क्या? उधर गांव है नये की गांव, तो उधर ऐसे ही है, आपको तो कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, इंसान तो इंसान ही है तो इसलिए फिर बेहतर होना चाहिए कि सब एक ही हैं बहन भाई। अब वो लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोगों की मतलब कि ये मतलब कंट्री जो है हमारी है, तो इस वजह से हम लोग मतलब कुछ कर भी नहीं सकते शायद इस वजह से। बराबर का सलूक होता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लगता तो नहीं, मतलब यहाँ पे तो सही है मुनाबाद में, अभी तो बाहर जाते हो तब? अभी हम लोग तो अभी बड़े तो नहीं है तो लेकिन इतना फिरते नहीं है तो ज़्यादा नहीं पता। चूड़ा कह देते हैं मसीह को, ये भी बुरा लफज है, अच्छा कहना चाहिए, इंसान तो इंसान ही है, तो ज़्यादातर ऐसे ही वो कह देते हैं। बराबर का सलूक होता है? आपको पता है बात का इशू बन जाता है तो इस वजह से मैं नहीं चाह रही कि आपसे बात करूं। आपको पता है ये वैसे भी इलाका तो है मसीह, ये हन्नाबाद में आप आए, लेकिन ये कि होता नहीं है आप लोगों को भी पता। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जेल में रह रहे हैं बस, ऐसा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हम तो बराबर के हैं ना इस मुल्क में। बराबरी का शहरी समझा जाता पाकिस्तान जी, कोई मसला कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। पाकिस्तान च हर इंसान को बराबर का हकूक मिलता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी मजहब में मुतलक रखता है। एक बंदा एक मोहल्ले में रह रहे हो, मोहल्ले से दुश्मनी नहीं ली जाती, ये तो पूरा पाकिस्तान है।